Assalamu alaikum viewers and welcome to my new vlog. अच्छा जी, इस वीडियो में हम इस्तांबुल में मौजूद इस्तांबुल शहर यूनिवर्सिटी का विज़िट करेंगे और वहाँ पर मौजूद एक स्टूडेंट भाई का छोटा सा इंटरव्यू भी करेंगे। ये वीडियो पाकिस्तान से टर्की मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड शेयर इट ऑल्सो। थैंक यू। अच्छा जी, हम यूनिवर्सिटी एंटर हो चुके हैं और आए मिल के एक्सप्लोर करें। अच्छा, आप लोग अपना एडमिशन वगैरह सब कुछ यहीं से करवाते हो? लाइब्रेरी भी यहाँ पे होगी, वो परचेज वाली नहीं, मतलब अगर कोई बुक्स वगैरह चाहिए आपको। अंडरग्राउंड है। हाँ, ओपन कैफेटेरिया। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, मैं भी ठीक ठाक। अच्छा, तो हम इस वक्त घूम फिर रहे हैं शहर यूनिवर्सिटी इस्तांबुल। कौन सा कैंपस है ये जी? ड्रैगोस कैंपस है। ड्रैगोस कैंपस है, ठीक। तो मुझे थोड़ा सा काइंडली इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितनी फैक्यूलिटीज़ हैं, ऊपर ऊपर से ज़रा। हाँ, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स तो काफ़ी हैं, फिलहाल जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं उनके 60 डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, उनके आगे इनकी फैकल्टीज़ भी
डिपार्टमेंट के हिसाब से डिवाइड हुई, यानी आईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर से रिलेटेड, लैंग्वेज लिटरेचर, इस्लामिक स्टडीज। अच्छा, गुड। तो माशाल्लाह आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझे यहाँ एक साल और तीन महीने। अच्छा, आपका बैचलर्स चल रहा है या मास्टर्स में? मास्टर्स में। अच्छा, गुड है, मास्टर्स में आप। तो कैसा है माहौल तुर्की का, इस्तांबुल का? माशाल्लाह, माहौल तो यहाँ का काफ़ी अच्छा है। सबसे बेस्ट यहाँ की चीज़ ये है कि इस्लामिक कंट्री है हमारा, काफ़ी अच्छा मतलब रहने का माहौल। हाँ, कल्चर यानी मिलता जुलता, अच्छा मिलता जुलता है। ठीक, मेन इशू लैंग्वेज का था, पर आस्ते आस्ते बंदा सेटल हो जाता है यहाँ पर। हाँ, लैंग्वेज तो आपको पता है स्टार्टिंग में टफ टाइम देना पड़ता है। अच्छा, तो वेदर के बारे में कुछ बताएं थोड़ा सा यहाँ पे। वेदर यहाँ का बहुत ही अच्छा है। अच्छा, हमारे कंट्री के लिहाज से मतलब जिस तरह का वहाँ पे था ना, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में आप कहाँ से? मैं पाकिस्तान में रावलपिंडी से। अच्छा, रावलपिंडी से, गुड हो गया। तो वहाँ पे गर्मी का लेवल मतलब ज्यादा होता है, इधर उस तरह का लेवल नहीं है। इधर उस तरह की गर्मी नहीं है यानी? हाँ, इधर ठंड भी अच्छा, मतलब मौसम अच्छा रहता है। हाँ, नॉर्मल है यानी, बारिशों का यहाँ पे भरोसा नहीं है। हाँ, कभी भी किसी वक्त बारिश हो जाती है। अच्छा, यानी एडजस्ट कर गए आप माशाल्लाह। तो मास्टर्स प्रोग्राम में आप? हाँ जी, मास्टर्स। ठीक, तो मुझे ये बताना चाहेंगे आप कि किस तरह आए, किसी एजेंट के थ्रू या खुद अप्लाई किया आपने? नहीं, एजेंट के थ्रू मैं पहले अप्लाई किया था, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा क्योंकि एजेंट तो की डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, जाहिर सी बात है, वो कुछ बताते हैं कुछ नहीं बताते। हाँ, उन्होंने अपना कमीशन भी रखना होता है ना, यूनिवर्सिटी की चेक किया ऑनलाइन हम ऑनलाइन। ठीक, तो यानी खुद एडमिशन अप्लाई किया है। ओके ओके, नए आने वालों को आप यानी क्या रिकमेंड करेंगे, ऑनलाइन ही सर्च करके आए? नए आने वालों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि भाई आप थोड़ा सा वर्कआउट कर लो, मतलब होमवर्क करके हो, उसके बाद डिसाइड करो कि आपने कहाँ जाना। ठीक, यानी बगैर होमवर्क के आपका आना यहाँ पे फिजूल है। ठीक, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं एजेंट्स के थ्रू ना आए? एजेंट्स के थ्रू नहीं, क्योंकि आपको पता है ना एजेंट्स तो बहुत बात भी दिखाते हैं, बहुत दिखाते हैं, ख्वाब बहुत दिखाते हैं, आगे से हमें कुछ नहीं मिलता, मतलब जितने वो दिखाते हैं ना उसका हमें 10% मिलता है बस। हाँ, मैं समझ गया। चलें व्यूअर्स, आपने देख लिया, ये थे हमारे रेहान भाई रावलपिंडी से। अच्छा टाइम स्पेंड हुआ इनके साथ, इन्होंने मुझे माशाल्लाह पूरी यूनिवर्सिटी घुमाई फिराई है। तो ये था कुछ माहौल यूनिवर्सिटी का, बहुत ही अच्छा माहौल है, प्लेजेंट सा सुकून है। मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स इन्होंने जैसे बताया यहाँ पर हैं, लेकिन मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि किसी भी एजेंट के थ्रू मत आइए।